हाय एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार की सॉन्ग लिरिक्स को एडिट करना सीखेंगे काइनमास्टर के अंदर। अगर आपको भी काइनमास्टर से इस प्रकार की एडिटिंग सीखनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, आप अच्छे से सीख जाओगे। तो ऐसी वीडियो को क्रिएट करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट ले ले काइनमास्टर के अंदर, कोई सा भी ले सकते हो आप, फ्रेम रेट कोई सा भी। तो इसके अंदर एक बैकग्राउंड ले लेना है ब्लैक कलर का और इसकी लेंथ हमको 25 से 30 सेकंड तक कर देनी है, क्योंकि इतना ही बड़ा होता है हमारा कोई भी स्टेटस होता है जो। तो इतना करने के बाद हमको एक कोई सा भी सॉन्ग ले लेना है जिसकी लिरिक्स को हमको एडिट करना है। तो यहाँ पे अभी नया सॉन्ग आया पनगढ़, तो मैं उसको यहाँ पर ले रहा हूँ। तो मेरे को ना एक गन साउंड इफेक्ट इसके अंदर लगाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को यार बहुत अच्छा लगता है जब वो स्टार्टिंग में एकदम गन साउंड से स्टार्ट होता है ना सॉन्ग, या कोई भी स्टेटस स्टार्ट होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ सॉन्ग को, और इसके स्टार्टिंग में ना एक गन साउंड मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से, उसको यहाँ पर लगाता हूँ मैं। तो अगर आपको भी लगाना है तो आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, कई सारी वीडियो मिल जाएगी कैसे डाउनलोड करना है, तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पर। अब इस सॉन्ग को एडजस्ट कर लेंगे, जो आगे पीछे हो गया हमारा कोई लिरिक्स आगे पीछे हो गया तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद लेयर में जाना है, और लेयर में जाने के बाद यहाँ पे हमें अपने सॉन्ग के लिरिक्स को यहाँ पे लिख लेना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो टेक्स्ट को लिखने के बाद इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे, तो इसलिए एंड्रॉइड में जाने के बाद रोबोटो कंडेंस्ड बोल्ड नाम से एक स्टाइल है टेक्स्ट स्टाइल, उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और अब इसका डुप्लीकेट ले लेना है, और डुप्लीकेट लेने के बाद जो हमारे सॉन्ग के लिरिक्स है उसको चेंज करके हमको दूसरी लाइन लिख लेनी है अपनी लिरिक्स की। लिरिक्स को चेंज करने के बाद अब इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, और छोटा करने के बाद जो पहले वाला टेक्स्ट था उसके नीचे अब इस तरह से कुछ एडजस्ट कर देंगे। आप इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी लगाओगे ना तो इतना ही अच्छा निखर के आएगा, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने हिसाब से करिए इसको। अब लेयर के अंदर चल जाना, और मीडिया के अंदर जाने के बाद हमको एक कुछ इस प्रकार की लीफ की पीएनजी को यहाँ पे अप्लाई कर देना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। तो इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है, एक नीचे वाले कॉर्नर पे और एक ऊपर वाले कॉर्नर पे, मतलब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। अगर आपका टेक्स्ट छोटा है तो छोटा लीफ को सेट करें, और अगर आपका टेक्स्ट बड़ा है तो लीफ को थोड़ा सा बड़ा करके वहाँ पे एडजस्ट कर दे। अब इतना काम होने के बाद आप इनमें से किसी भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, डुप्लीकेट करें, और अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग लिरिक्स के अकॉर्डिंग जैसी सिचुएशन बन रही है वैसे एक इमोजी को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे कठिन शब्द है तो मैंने कठिन वाला इमोजी सिलेक्ट किया है, कठिन वाला, कठिन मतलब हार्ड सिचुएशन। तब इसी इमोजी को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे दोनों टेक्स्टों के बीच के अंदर। तो आप कहीं भी इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आपकी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि जितना आप क्रिएटिविटी दिखाओगे उतना आपका जो लिरिक्स है निखर के आएगा। तब इतना काम ख़त्म होने के बाद इसको कैप्चर एंड सेव कर दीजिए, और पूरे सॉन्ग्स के लिरिक्स को इसी प्रकार हमको लिख लेना है। इसके लिए आप इनको डुप्लीकेट करके यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। तो सभी लिरिक्स को इसी प्रकार एडिट कर लेना है, और कैप्चर एंड सेव करके अपने मोबाइल में सेव कर देना है। अब हमने जिन लिरिक्स को एडिट किया था उनको वन बाय वन सॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है काइनमास्टर के अंदर। अगर कोई लिरिक्स बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह पे है और नेक्स्ट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे हम दो तीन फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेंगे उसी लिरिक्स के। अब इन सब लिरिक्स को सॉन्ग के अकॉर्डिंग वन बाय वन आगे पीछे करके देख लेना है कि हाँ भाई कौन सा लिरिक्स किस जगह पे आ रहा है, किस जगह पे उसको फिक्स करना है। अगर कोई लंबा लिरिक्स है तो उसको ट्रिम कर लेना है, और अगर कोई छोटा रह रहा है तो उसको ड्रैग कर लेना है और बढ़ा लेना है उसको। अब इतना काम ख़त्म होने के बाद हम सॉन्ग के बीट्स के अकॉर्डिंग अपने जो ये लिरिक्स हैं उनके बीच में ट्रांजिशन को ऐड करेंगे। मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि ये पूरी वीडियो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह से इसके अंदर ट्रांजिशन को ऐड करते हैं, किस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं, किस प्रकार से लिरिक्स को एडिट करते हैं, सारी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है कि कैसे आप इस वीडियो को बनाते हैं।
जैसी आपकी क्रिएटिविटी होगी वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा इस वीडियो का। तो इतना काम ख़त्म होने के बाद अब बोनस टिप आ जाता है इस वीडियो का हर रोज़ की तरह। वैसे भी ये मैंने कल बताया था लेकिन कितनों को नहीं पता होगा, तो हैंडराइटिंग में जाना है और हैंडराइटिंग में जाने के बाद कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लेना है, पेंसिल को सिलेक्ट करना है, अरे एक पॉइंट ड्रॉप कर देना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद ओवरऑल में जाना है और रेन वाला इफेक्ट एनिमेशन चूज़ करना है। इससे आपके वीडियो में रेन इफेक्ट ऐड हो जाएगा जो कि बहुत ही ऑसम लगता है वीडियो में देखने में। इसको फुल टू लेंथ कर देंगे वीडियो की और अब आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है, अब इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। बेस्ट क्वालिटी में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वीडियो को, आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको और उसके अंदर मैंने बताया कौन सी सेटिंग में अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिससे आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी बने। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। और हाँ, जो आपको स्क्रीन पर ये 4 डिजिट दिख रहा है इसको कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे को भी तो पता चले मेरी वीडियो को लास्ट तक कौन कौन लीजेंड बंदा देखता है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए वीडियो प्रॉपर नहीं आ पा रही है और बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो जब के लिए सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, बहुत बुरा लगता है, देख के चल जाते हैं क्योंकि मेरे को पता चल जाता है YouTube स्टूडियो से कि कई बंदे देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो फिर मिलेंगे एक न्यू एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।